मेरे द्वारा आज बदनावर क्षेत्र में निर्माणाधीन पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निरीक्षण किया गया। एमपीआईडीसी, राजस्व और प्रशासन के सभी अन्य शासकीय सेवक अधिकारीगण भी उपस्थित थे और वहाँ पे जो ऐसे परिवार हैं जिनकी भूमि, निजी भूमि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत आ रही है, मैं उन सभी ऐसे हमारे भूमि के मालिकों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि शासन के नियमानुसार आपके भूमि अर्जन की जाएगी और उसका वाजिब मुआवजा आप लोगों को दिया जाएगा। ऐसे सभी कार्य जो वहाँ के विस्थापन के लिए आवश्यक हैं उनके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और एमपीआईडीसी के साथ, जो कि इसको निर्मित कर रहे हैं पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को, उनके साथ समन्वय स्थापित करके लोकल लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी। मैं क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक ऐसा पार्क बनने जा रहा है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुनहरा करेगा और बहुत अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करेगा और वहां की पूरी आर्थिक पृष्ठभूमि को परिवर्तित कर देगा। आप सभी से आग्रह है कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें और इस पीएम मित्र पार्क को निर्माण बनाने में जो छोटी मोटी कठिनाइयां हमें आ रही हैं उसमें प्रशासन का सहयोग दें। इसके अतिरिक्त आज मेरे निरीक्षण के दौरान कुछ लोग मुझसे वहाँ चर्चा करके अपनी बात रखना चाह रहे थे, कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस संबंध में यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है या बताना चाहता है तो कभी भी आकर के, चाहे वहाँ लोकल जो हमारा प्रशासन है वहाँ के एसडीएम तहसीलदार के सामने अपनी बात रख सकता है और मुझे भी अगर अपनी बात कोई रखना चाहता है, कभी भी किसी भी प्रकार से आप लोग अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की सभी बातों को सुने, उनकी सुनवाई करें और जो वाजिब बातें हों, जो न्याय संगत हो, नीति संगत हो, उसमें लोगों को लाभ दें। धन्यवाद।